रिली श्रद्धांजलि शुरू का एकलव्य हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे। कैसा लग रहा है मैडम फेशियल? कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का, आज ही डाउनलोड कीजिए। हिंदुस्तान में जेवरात की जितनी किस्में हैं उनमें मीनाकारी न सिर्फ ये कि बहुत खूबसूरत है बल्कि ये काफी मकबूल भी है। इसमें सजावटी धात के जरिए खूबसूरत पैटर्न बनाए जाते हैं। मीनाकारी का ज्यादातर काम राजस्थान और हिंदुस्तान के दूसरे शिमाली इलाकों में होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये फन मुगलिया दौरे हुकूमत में 17वीं सदी ईस्वी में ईरान से यहां आया। इसकी तकनीक को देखकर ही इस बात का पता चलता है कि इसमें मुख्तलिफ रंग के मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे धात की सतह पर नीले रंग के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड और हरे रंग के लिए कॉपर ऑक्साइड, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि इस पर कीमती पत्थरों से काम किया गया है। इसका काम सबसे पहले सुनार के पास से शुरू होता है जो उसकी शक्ल बनाता है। इसके बाद ये छतेरा के पास जाता है जो स्टील का औजार इस्तेमाल करते हुए सोने से बनी इस चीज पर सलाई का काम करता है, यानी उस पर खुदाई करके पैटर्न बनाता है। इसके बाद इस पैटर्न को मजीद उभारा जाता है और फिर फाइनल प्रोडक्ट में लाइट और शेड को नुमाया किया जाता है। इसके बाद ही मीनाकार उस पर रंगों का इस्तेमाल करता है और ऐसा करते वक्त वो सबसे पहले उन रंगों का इस्तेमाल करता है जो आग की तपिश को बर्दाश्त कर सकें। आमतौर पर सबसे पहले सफेद रंग इस्तेमाल किया जाता है, इसके बाद ही किसी दूसरे रंग को इस्तेमाल किया जाता है। सबसे आखिर में उसे खट्टी इमली के महलोल से साफ किया जाता है और इसके बाद इस पर पॉलिश की जाती है। इस पूरे अमल के बारे में हमें बताते हुए 2008 के राजस्थान के नेशनल अवार्डी मुकेश कुमार मीनाकार कहते हैं कि मीनाकारी में अक्सर जेवर के एक तरफ जवाहरात जड़े हुए होते हैं और दूसरी तरफ अच्छी तरह कलई की जाती है। कलई किया हुआ हिस्सा चूंकि उल्टी तरफ होता है और ये हमेशा पहनने वाले के बदन और कपड़े से छूता रहता है, इसलिए उसकी चमक बढ़ती रहती है। इस तरह से जो जेवरात तैयार किए जाते हैं उनमें मीना का काम सबसे पहले होता है। इसके बाद मीनाकार से ये जेवर जड़िया के पास चला जाता है जो इस पर कुंदन का काम करता है और फिर आखिर में ये पटवा के पास पहुंचता है जो हार और बाजूबंद के अलग अलग टुकड़ों को तार से एक साथ जोड़ता है और फिर उसमें मोती, नग, बीड और झालर वगैरह लगाता है। बेस मेटल सोने और चांदी दोनों के ही हो सकते हैं।
मीनाकारी की जो कला है वो सोने के ऊपर और चांदी के ऊपर की जाती है। हिंदुस्तान में ज़्यादातर हम देखें तो वो सोने के ऊपर ही की जाती है। इसमें 23 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। पहले उसका घाट बनाया जाता है, जैसे हमें पेंडेंट बनाना हो, नेकलेस बनाना हो, रिंग्स बनानी हो या कोई आर्टिकल बनाना हो, तो पहले जो घड़िया होता है वो उसका घाट बनाता है। घाट बनने के बाद सेकेंड स्टेप के अंदर मीनाकारी आती है। मीनाकारी में दो स्टेप्स होते हैं। एक खुदाई का होता है, जिसमें हम पहले कोई भी जो भी हमें डिज़ाइन बनाना होता है, चाहे हमें फ्लावर बनाना हो, चाहे हमें पैरेट पीकॉक्स बनाने हो या कोई भी ट्रेडिशनल डिज़ाइन बनानी हो, उसको पहले हम हाथ से डिज़ाइन बनाते हैं। उसके बाद उसकी एंग्रेविंग करते हैं, खुदाई करते हैं। जब उसकी खुदाई हो जाती है, उसके बाद उसके अंदर मीना किया जाता है। मीना जो होता है वो कांच के फॉर्म में होता है, केक फॉर्म के अंदर होता है। उसकी पहले पिसाई की जाती है, फिर उसकी धुलाई की जाती है तेजाब से। उसके बाद उसको हमारा एक औजार होता है तकुआ, उसकी सहायता से उसको भरा जाता है। भरने के बाद उसको फर्नेंस के अंदर बेक किया जाता है, पकाया जाता है। लगभग 650-700 डिग्री के ऊपर उसको मेल्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को 2 या 3 बार किया जाता है। उसके बाद उसकी फॉइलिंग की जाती है, घिसाई की जाती है। घिसाई करने के बाद एक बार दोबारा उसकी सफाई करने के बाद उसको बेक किया जाता है, तब वो अपने मौजूदा फॉर्म के अंदर वापस आ जाता है। मुकेश कुमार को साल 2008 में नेशनल अवार्ड इस शानदार बांसुरी को बनाने के लिए मिला था, जिस पर सोने से कलई की गई है। इस बांसुरी को एक मंदिर ने ले लिया है, जहां फोटोग्राफी ममनू है। लेकिन मुकेश के पास दिखाने के लिए कई तरह के जेवरात के अलावा कई दीगर साज हैं, जिन पर मीनाकारी की गई है। मीनाकारी उनके लिए खानदानी पेशा है, जो उनके यहाँ कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। वो बचपन से ही मुख्तलिफ किस्म के सामान तैयार करते आ रहे हैं। सन 2008 के अंदर मेरे पास एक ऑफर आई। कोई एक सज्जन थे जो एक मंदिर के लिए बांसुरी बनवाना चाहते थे। उन्होंने मुझसे संपर्क किया तो उन्होंने मुझे मंदिर भेजा कि आप देखिए कि पहले जो बांसुरी बनी हुई है उसको देखिए, हम उसमें क्या इम्प्रोवाइजेशन करके एक नई बांसुरी बना सकते हैं। तो पहले की मैंने देखा बांसुरी जो मीनाकारी की बनी हुई थी, वो 5 पीस में टुकड़ों के अंदर बनी हुई थी। तो पहले तो मुझे ये ख्याल आया कि नहीं, मुझे इसको सिंगल पीस में बनाना चाहिए, क्योंकि सिंगल पीस में जो खूबसूरती आएगी वो टुकड़े के पीस में नहीं आ पाएगी। तो वो एक लेकिन बहुत चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि आज तक इससे पहले इतने बड़े पीस पे किसी ने मीनाकारी नहीं की थी सिंगल पीस के ऊपर। जब भी इतने बड़े चीज़ बनाई जाती थी तो वो टुकड़ों में बनाई जाती थी। तो मैंने सोचा नहीं, इसको अपन सिंगल पीस में बनाएंगे, एक ही पीस के अंदर बनाएंगे। तो फिर उसको बनाना चालू किया। पहले उसकी घड़ाई हुई, उसके बाद उस पर डिज़ाइनिंग करके एंग्रेविंग चालू करी, उसकी खुदाई करी। फिर मीना करना उस पर बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि इतने बड़े पीस के लिए फर्नेंस बनाना, उसको भरना, क्योंकि मीना जो काम होता है वो मीने का काम एक ही बार में बैठ के किया जाता है। उसके अंदर हम बीच में उठ नहीं सकते हैं, मतलब वो एक ही टाइम कंटिन्यू होता है, उसको हम छोड़ नहीं सकते, पीस में नहीं कर सकते। तो उसको करना थोड़ा सा रिस्की भी था और चैलेंजिंग भी था। उसको करने की लेकिन भगवान का नाम लिया और कोशिश करी, उसको करना शुरू किया। और बस बनते बनते वो चीज़ इतनी अच्छी बन गई कि बाद में जब मैंने जो इस काम के करने वाले जो और लोग हैं और जो इस काम के पार्क हैं उनको दिखाई, तो वो लोग भी अचंभित हुए कि एक पीस के अंदर कैसे इसको तैयार की गई, कैसे इसको पकाया गया, कैसे मीना किया गया। तो सब ने कहा कि नहीं, ये पीस यूनिक बना है, अच्छा पीस बना है, तो एक ट्राई करना चाहिए कि इसको नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाना चाहिए। तो फिर सबके कहने पे मैंने सोचा कि ठीक है, एक कोशिश की जा सकती है। तो फिर मैंने इसको नेशनल अवार्ड के लिए फाइल किया। तो फिर बस वो चीज़ इतनी अच्छी थी कि भगवान की कृपा से उसमें मुझे नेशनल अवार्ड हो गया। मुकेश कुमार के पास आज एक छोटी फैक्ट्री है, जिसमें उनके मुलाजिम उनकी हिदायत के मुताबिक काम करते हैं। उन्होंने इन लोगों के अलावा दूसरे ख्वाहिशमंद शागिर्दों को भी इस हुनर की ट्रेनिंग दी है। उनका कहना है कि नेशनल अवार्ड से उन्हें काफी फायदा मिला है। इसकी वजह से उन्हें मुल्क के अंदर और बाहर लगने वाले मेलों और फेस्टिवल्स में अक्सर शिरकत की दावत मिलती है। इसकी वजह से वो अपने जरिए बनाए गए तकरीबन 100% सामान सीधे खरीदारों को बेच सकते हैं।
वो लोगों की पसंद को भी जानना चाहते हैं, इसलिए उन्हें इन मेलों में जाना अच्छा लगता है। आज राजस्थान में मुख्तलिफ रंग के मीनाकारी के जेवरात की बहुत सी दुकानें हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जयपुर शहर के जौहरी बाजार में, बल्कि बाबू बाजार और त्रिपुरिया बाजार की कई दुकानों पर मीनाकारी किया गया सामान बिकता है। इस शहर के नक्शनगार वाले दरवाजों और सजे सजाए घरों को देखकर कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि ये खूबसूरत डिजाइन कहां से आते हैं। राजस्थान भले ही रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन यहां की फने तामीर की खूबसूरती और शाहाना अंदाज हर कहीं दिखाई देता है। इनके ढोल की थाप, रक्स व मौसीकी भी बेमिसाल है। राजस्थान का ही एक दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला और मकबूल क्राफ्ट है तारकशी वर्क। तारकशी पीतल, तांबे या चांदी की तार जैसी कतरन को लकड़ी पर जड़ने की तकनीक है। इस काम को जांगेड़ कम्युनिटी के लोग करते हैं, जो 45 साल पहले उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से हिजरत करके जयपुर चले आए थे। इसमें गहरे रंग की अच्छी शीशम की लकड़ी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें तेल के बड़े अनासिर इस पर धात को चिपकाने में पूरी मदद करते हैं। इन लकड़ियों पर आम तौर से ज्योमेट्रिक शक्लें या मुगलिया स्टाइल के फूल पत्तियों के पैटर्न बनाए जाते हैं, और फिर इन्हीं निशानात पर छेनी और हथौड़ी से 1 मिलीमीटर की खुदाई की जाती है। धात की चादर से पतले पतले टुकड़े काटे जाते हैं, फिर उन्हें आग की लौ पर गर्म किया जाता है, फिर उन्हें ठंडा किया जाता है ताकि उतरन झड़ जाए, और फिर तार के जैसे इन टुकड़ों को सीधा किया जाता है। इसके बाद धात के तैयार टुकड़े को हथौड़ी से पीटकर पहले से लकड़ी पर बनाई गई जगह में फिट किया जाता है। तारकशी के लिए एक मखसूस उंसुर जो लिपटी हुई डार्ट की शक्ल में होता है, उसको सीधे लकड़ी के अंदर ही डालकर पीटा जाता है। सतह को रैगमाल से बराबर कर लेने के बाद शीशम के चूरे को पतले चिपकने वाले मादे के साथ पूरे सरफेस पर लगाया जाता है ताकि सारी खाली जगह भर जाए। रैगमाल से उसे पूरी तरह साफ किया जाता है ताकि इस पर अच्छी तरह पॉलिश की जा सके। ۲۰۰۸ में नेशनल अवार्ड जीतने वाले 57 साला रामस्वरूप ये तमाम सामान तैयार करते हैं। उन्होंने 1968 में राजस्थान के सवाई मानसिंह शिल्पकला मंदिर से इस फन में 3 साल की ट्रेनिंग हासिल की थी। ये तारकशी अपने शीशम की लकड़ी के ऊपर, ये जैसे मैं
सवाई रामसेन शिल्पकला मंदिर के अंदर 1968 के पीरियड में मैं वहाँ गया, जब स्कूल से छुट्टियाँ हो जाती है तो वहाँ जाके मैंने वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में देखा कि ब्लू पोट्री पेंटिंग और कई क्राफ्ट्स वहाँ पे सिखाए जाते थे। तो कारपेंटर खाती खानदानी होने के कारण, जांगीड समाज होने के कारण, लकड़ी के ऊपर जब मैंने ये तारकसी का काम देखा, वही लकड़ी का है और इसके ऊपर ये पीतल की तारों की जड़ाई होती है, तो ये जो काम देखा तो मेरा और कलाओं में इंटरेस्ट नहीं जाके और जाति से संबंधित होने के कारण लकड़ी का काम, तो इस वजह से मैंने इसमें ज़्यादा रुचि लगाई और तारकसी को ही मैंने पसंद किया। उन्हें नेशनल अवार्ड 32 इंच लंबा हुक्का बनाने की वजह से मिला था, जिस पर तारकशी का काम किया गया है। इनाम जीतने वाले आइटम बनाने के अलावा रामस्वरूप दरवाजे, जेवर के डिब्बे, चूड़ियों के डिब्बे, बहुत से सजावटी सामान और साथ ही रोजमर्रा इस्तेमाल की जाने वाली और बहुत सी चीजें बनाते हैं। आइटमों में अपने जो है, जैसे मान लो हुक्का, जिसमें नेशनल अवार्ड मेरे को मिला, और 7 फुट बाई 4 फुट के दरवाजे बनाए जो वहाँ CCIC में दिए, उसके अंदर नहीं तो तारकसी के अंदर दरवाजे कभी बने ही नहीं थे। सिगरेट बोर्ड्स है, ज्वेलरी बोर्ड्स है, ये जो है सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी, और मैं अपने आप पे भी डिजाइन चेंज करता ही रहता हूँ। जैसे ये फ्रेम है, आईना बनाया तो इसमें मेरा वगैरह लगा के ये बहुत बढ़िया कलाकारी के हिसाब से बनाता हूँ। मैं जो भी चीज़ बनाता हूँ कलाकारी के हिसाब से बनाता हूँ। उन्होंने अपनी दुकान 1977 में खोली थी, जहाँ पर वो अपने बनाए हुए सामान बेचते हैं। यहां से उनकी अच्छी कमाई हो जाती है। यही वजह है कि उन्होंने अपने दो बेटों को भी इस पेशे में शामिल कर लिया है। उनके दो बेटों श्याम सुंदर और योगेश शर्मा को भी स्टेट अवार्ड मिल चुका है। श्याम सुंदर को यह अवार्ड 2007 में मिला था, जबकि योगेश ने 2010 में इस अवार्ड को हासिल किया। मेरे को राजश्री पुरस्कार सन 2006 और 2007 में माननीय श्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दिया गया। तो मैंने ये काम तारकशी का अपने पिताजी से सीखा। बचपन से ही मैं देखता था ये काम घर में होते हुए, तो काफ़ी अच्छा लगता था। धीरे धीरे मैं 9-10 साल की उम्र से ये काम करने लगा और धीरे धीरे सीखने लगा। 4-5 साल की मेहनत के बाद जब मैं ये काम पूरी तरह से सीख गया और काम मेरे को पूरी तरह से आने लग गया, तो मैं पापा के साथ मिलकर काम करने लगा। उनके साथ जो आइटम वो बनाते थे उनमें उनकी मदद करने लगा और काम करने लगा साथ साथ। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा अनुभव होने के बाद फिर मैंने 2006-07 में पुरस्कार प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से मेरे को जो है काम में धीरे धीरे रुचि पैदा होने लगी। अर्निंग का भी एक अच्छा जरिया मेरे लिए मिल गया कि ठीक है, अपना जीविकोपार्जन कर सकता हूँ मैं इस काम के ज़रिए। तो धीरे धीरे मैंने इस काम को पूरी तरह से अपना लिया और आज तक किसी काम के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं। 18-19 साल का हो गया तब मैंने ये काम पूरी तरह सीख लिया था। उसके बाद में मैंने स्टेट अवार्ड के लिए कोई आइटम बनाया, गन बनाई थी मैंने एक लकड़ी की, उसके ऊपर मैंने तारकसी अपने डिज़ाइन के अनुसार तारकसी की। उसके बाद में मेरे को 9 और 10 में उसमें स्टेट अवार्ड मिला। इस काम में चूँकि काफ़ी वक्त लगता है, इसलिए रामस्वरूप ने 30 लोगों को अपने यहाँ मुलाजिम भी रखा है। इन लोगों को ट्रेनिंग भी उन्होंने ही दी है। रामस्वरूप को जो भी ऑर्डर मिलता है उसे पूरा करने के लिए ये लोग उनकी ही हिदायत और निगरानी में काम करते हैं। नेशनल अवार्ड ने उनके लिए बहुत से दरवाजे खोले हैं।
उन्हें पूरे मुल्क में और यहाँ तक के बाहरी मुल्कों में लगने वाले मेलों और एग्जीबिशंस में शरीक होने की दावत अक्सर मिलती रहती है। फरवरी 2012 में उन्होंने बर्मिंघम में लगने वाले एक मेले में शिरकत की थी, जबकि जुलाई 2012 में वो जोहान्सबर्ग के एक मेले में शरीक हुए। इससे पहले उन्हें एक मेले में शिरकत करने के लिए जर्मनी भी भेजा जा चुका है। हिंदुस्तान में वो दिल्ली हाट और सूरज कुंड, हैदराबाद, पटना और चंडीगढ़ में लगने वाले मेलों में शिरकत कर चुके हैं। राजस्थानी जेवरात की अहमियत ऊंट की हड्डी से बने जेवरात और दस्तकारी अशिया के जिक्र के बगैर अधूरी है। ताज्जुब की बात यह है कि ऊंट की हड्डी से बना हुआ सामान मीनाकारी किए गए सामान से सस्ता होता है। अलबत्ता इस सामान को तैयार करने में वक्त और मेहनत दोनों लगते हैं। 2005 में कौमी अवार्ड याफ्ता मोहम्मद शरीफ को ऊंट की हड्डी से दस्तकारी करने के लिए यह एजाज मिला। शरीफ ने यह हुनर कम उम्र में ही अपने मामू से सीखा। आज वो तरह तरह के सामान बनाते हैं जिनमें छोटे छोटे चाबी के छल्ले, जालीदार काम वाले जेवरात के डिब्बे, काम किए हुए चाकू और बुकमार्क्स और लैंप स्टैंड्स शामिल है। हमने इस काम को अपने बचपन से करीब हमारी 18 साल की उम्र थी और गांव में रहते थे। वहाँ से हमारे वालिद यहाँ हमारे एक रिश्तेदार थे, उन मामूजात लड़के थे जो ये काम करते थे, उनके पास हमको बैठा गए थे। हम यहाँ काम करते रहे 18 साल की उम्र से लेकर आज हमारी उम्र हो चुकी है 65 साल के ऊपर लगभग। और इस काम में हमने फिर उसके बाद काम करते रहे और तमाम गांव के लोगों गांव भी गए, गांव में भी लोगों को काम सिखाया और उसके बाद बाहर के प्रोग्राम और नुमाइशे भी करते रहे अपने भारत के अंदर पूरे भारत में। और धीरे धीरे हमको इसी तरह से और जब बढ़ा तो हम स्टेट अवार्ड हमने हासिल किया, फिर एक रूसियन पुरस्कार हमने हासिल किया, स्टेट अवार्ड हासिल किया, फिर रूसियन पुरस्कार हासिल किया, उसके बाद फिर हमको नेशनल अवार्ड सन 2005 में हासिल किया, फिर उसके बाद शिल्प गुरु अवार्ड यानी सन 2009 में शिल्प गुरु अवार्ड हासिल किया। उन्हें शिल्प गुरु का एजाज भी मिल चुका है, इसलिए शरीफ अब नौजवानों को पाबंदी से ये हुनर सिखाते हैं। उनके दो बेटे जिन्होंने अपने वालिद के पेशे को अपनाया वो भी अब इनकी ट्रेनिंग देने और ऑर्डर का सामान पूरा करने में मदद करते हैं। दोनों में से सलमान रियासती अवार्ड हासिल कर चुके हैं। ऊंट की हड्डी से तलवार बनाने के लिए इन्हें ये एजाज हासिल हुआ था। बचपन से मैंने पापा से काम सीखा है, मैं देखता था कैसे बना रहे हैं, किस तरह से बनाते हैं उसको देखते रहे और हम मुझे भी अच्छा लगा कि हमने भी ये काम सीखा। फिर बोन पे काम होता था, फिर धीरे धीरे हड्डी पे काम होने लगा, लकड़ी भी बनने लगा, तो फिर हमने भी स्टेट अवार्ड में तरवाल बना के रखी कि मुझे भी उस पर स्टेट अवार्ड मिला है।
सलमान और उनके छोटे भाई मोहम्मद आसिफ अपने वालिद की न सिर्फ आमदनी में बल्कि इस दस्तकारी को आइंदा नस्लों तक ले जाने में मदद कर रहे हैं ताकि ये हमेशा जिंदा रह सके। तो अब आप जब भी यहाँ पर घूमने आए तो यहाँ की खूबसूरत जेवरात खरीदना ना भूलें। हम यकीन से कह सकते हैं कि आप खुद को उस शाहाना दौर के करीब महसूस करेंगे जिसके यहाँ के किले